अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की सेहत, इज़्ज़त, ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। तो ये ले, आज फाइनली मरियम की हो रही है फैमिली बर्थडे, तो बस सब खुश है माशाल्लाह। क्योंकि हमने तो घर पे ही ऐसे प्लान किया था, मगर माशाल्लाह मेहमान आ गए तो और चार चांद लग गए ना। और हमने खैर मरियम की एक फ्रेंड को भी, मतलब छोटी सी बच्ची, उसको बुलाया था, क्योंकि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मरियम की बर्थडे में आंटी मुझे बुलाइएगा। बुलाया भी था और तीन दफ़ा हफ्सा उससे लेने भी गई, मगर खैर वो नहीं आई फिर ना। तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं है, तो बच्चे तो वैसे भी घर पे थे ही, तो इनके आने से वैसे ही चार चांद लग गई, तो माशाल्लाह से। और ये देखें बच्चों की खुशी के लाइट ऑफ करके करेंगे। मैंने बोला चलो बच्चे जिसमें खुश, और सारे बच्चे केक देख के मतलब खुश हो रहे हैं कि हमें काटना हमें काटना। मैंने बोला कोई मसला नहीं है भाई, सब खड़े हो जाओ, क्योंकि हर केक देख के हर बच्चे को लगता है मेरी बर्थडे है ना, बर्थडे हो या ना हो। तो फिर खैर मैंने बोला चलो यहाँ सब तरीके से खड़े हो जाओ और सब मिल के काट लो, कि अपी ने तो पहले भी बर्थडे की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी प्यारी मरियम के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दुआएं कमेंट्स में देंगे, और बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना मरियम को अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, उसे ढेर सारी खुशियाँ दे, सुकून दे। तो चले अब इंजॉय करते हैं मरियम की बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर आके ना मरियम के सर के पास करना चाहिए था ये सब। हो गया एक बार, हो गया भैया हैप्पी बर्थडे। सारा गर्मी हो रहा है मैम, बुलाया अभी। और माशाल्लाह देखे बच्चे सारे कितने खुश हैं। अब सब एक दूसरे को केक खिलाएंगे, और हमने जितने भी गुब्बारे ना, उसकी वीडियो जो है ना बनी नहीं सकी, गुब्बारे बनाए थे ना, तो उस सारे में ना हमने टॉफियां डाली थी। तो जैसे ही हफ्सा ने गुब्बारे फाड़ने शुरू किए, तो और बच्चे फटाफट टॉफी उठाने लगे, मगर उस वक्त कैमरा ऑफ हो गया। पागल है वो, उसको पता है भाई मेरे को पगला बनाता है। बोलते वालेकुम सलाम बोलो मरियम, यहाँ से लेकिन जाएगी जब तक कुत्ता आएगा मरियम सबको सलाम करती है। वालेकुम सलाम बोलते नहीं ना, बोलो थैंक यू भाई ऐसे बोलो।
देखो अफसर तो आपको कार्ड देना ही भूल गई थी। अरे मेला बच्चा खून हो गया मेरा बच्चा को। कैसा है? थैंक यू बोलो, मुच्छू करो अफसर को पकड़ के, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पीछे से पकड़ो पकड़ो पकड़ो। थैंक यू अफसर बोलो। हाँ अब खोल के दिखाओ कैसा कार्ड दिया अफसर। उधर जाओ उधर, ग्लू निकल गई। हाँ हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। सही से दिखाओ सही से। हाँ अच्छा लग रहा है, ऐसे दिखाओ ना यूं करके सामने उठाओ ऐसे। हाँ इधर ऐसे। हाँ बस चलो ये हुआ। अंदर क्या लिखी है? कुछ नहीं लिखी नहीं, कौन सी भी आ रहा है। अच्छा यहाँ से दिखाओ, ये देखिए यही सब कुछ लिख दिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू इमोजी बना दिया, दिल बना दिया। वाओ ये देखिए तितली है, एक पिंक कलर। ये मैंने बिना छापे बनाया है पहली बार। हाँ फिर ये एक फिरोजी फिरोजी कलर की तितली है, लाल वाली तितली ग्लू से। ओ ये गिर गई है। हाँ ग्लू सही से लगी। बहुत प्यारा है ये देखिए, ये यूँ है, ये यहाँ से यूँ है और ये यूँ खुल के यूं है। तितली को तितली तितली अगर चिपकी हुई होती ना तो इसकी तरह अच्छे से। अच्छा सही, तीन तितली है मतलब यहाँ पे। हाँ ये एक है, दो, ये दो, ये है तीन। वाह अफसा तो तरक्की हो गई है अफसा की, अच्छा अच्छा कार्ड बना रही है ना। हाँ मिस अफसा वाला भी अच्छा था, उनको पसंद आया था। कैसा है मरियम कार्ड? हाँ थैंक यू, जोर से बोलो अफसा को। और फ्रेंड्स आपका भी थैंक यू। 117 ये देखिए मरियम कपड़ा चेंज कर चुकी, निन्नी करने जा रही हैं बाप। ओ मरियम को हेयर स्टाइल तो देखें, ओहो है ना। और हफ्सा को देखें कैसे मजे से सो रही है। सॉरी निन्नी आ रही है? नहीं मैं सुन रही हूँ, आखिरी वाला बहुत बड़ा ना, आराम से। हाँ बड़ा है, एक घंटा। ये देखिए मेरी बेटी का हेयर स्टाइल, इतने लंबे लंबे बाल है। गुड़िया का मैंने जूड़ा ही बना दिया था ना, ला दो अंगूठी उतार के। वो वाले भी दीजिए, नहीं उतर रहा है। ओहो लड़ाई झगड़ा। हफ्सा हफ्सा सही है, कुछ बोला था पहले, बताया बना रही हूँ ना हफ्सा, मैं वीडियो बना रही हूँ। मगर तुम मारपीट क्यों करती हो है, ये बताओ। कुछ बोली थी वो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ना। मैं बस इधर आई थी, यहाँ नहीं पहनाया था। चलो ये क्लिप उतार दूँ है, इसको उतार दूँ? क्या पूछ रही हूँ, मुँह से बोलो। हाँ बोलो या नहीं बोलो है। हाँ क्या होनी है, नहीं खुलना चाहिए ठीक है। हाँ तो आपने देख लिया किस तरह से होती इन दोनों बहनों के दरमियान जंगे ऐसी, कोई वजह नहीं कोई बात नहीं, मगर बस अचानक से ही जंग हो जाती है शुरू। और अभी इससे पहले आप देख रहे थे कितनी शदीद वाली मोहब्बत चल रही थी, तो बस इसी तरह से होता है, अचानक से मोहब्बत और अचानक से फिर जंग, तो इसी तरह से चलता रहता है। और ये भी देख लिया होगा आपने कि हमाद मरियम को जैसे चलाता और जो सिखाता है मरियम वो सीखती है। उसको इतना समझाती हूँ कि अच्छी बातें सिखाओ ना, वो इसको बना रहा है शरारती। अब पता है अभी इसने जब से इसकी बर्थडे शुरू हुई है ना, इसने सिखा दिया है कि कोई भी बोले ना तुम्हें हैप्पी बर्थडे टू यू तो उसको बोलना वालेकुम अस्सलाम। अब मरियम को हम इतना समझा रहे कि नहीं मरियम थैंक यू बोलना है। अब वो बोल भी देती है, हम हाथ कहते नहीं गलत बोला ना बोलो वालेकुम अस्सलाम, तो मरियम सबको बोलती वालेकुम अस्सलाम। तो बस अल्लाह पाक मेरे बच्चों को इसी तरह से एक दूसरे के लिए मोहब्बत दिल में कायम रखे और एक दूसरे से इसी तरह प्यार करते रहे, एक दूसरे की इज्जत करते रहे। और माशाल्लाह से कल के व्लॉग में आप देखिएगा कि और मेहमान, ये जो मेहमान आए हुए हैं माशाल्लाह ये लोग तो रुक ही रहे हैं रात में, और फिर कल दूसरे मेहमान भी आ जाएंगे तो और ज़्यादा रौनक रहेगी माशाल्लाह से।
तो इंशाल्लाह से आप लोग जो है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और प्लीज़ अपनी मरियम को बहुत सारी दुआएं दें और दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह पाक इसे अपना घर और अपने रसूल का रोज़ा दिखाए मेरी बच्ची को, आमीन। और ये देखें मरियम के सर में ना जो चोट लगी थी ना, उस वक्त देखें आप यूँ फूल गया ना, तो मैं उसको सहला रही हूँ ना, तो बस वो हमाद को मारने जा रही थी। देखें उस वक्त हफ्सा की मोहब्बत ज़्यादा हो रही थी कि हफ्सा मुझे कार्ड दे रही है, और हमाद कह रहा था बोल तो नहीं मुझे कार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमाद को मारने जा रही थी और उसको लग गई टेबल के कॉर्नर से चोट। तो बस इसी तरह की मोहब्बत है माशाल्लाह से, पल में कुछ पल में कुछ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।